क्या आप बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बैंक में बहुत सारी वैकेंसीज आई है। SBI ने अपने PO की वैकेंसीज निकाल दी है, 2000 से ज़्यादा जो है वैकेंसीज इस बार निकाली है। यूजुअली 1700-1800 वैकेंसीज आती थी, इस बार 2000 आई है। साथ में IBPS क्लर्क की वैकेंसीज आई है जो कि 5500 से ज़्यादा है। IBPS PO की भी वैकेंसीज निकलने वाली है जल्द ही। आप लोगों के पास SBI PO के लिए जो है तकरीबन 40-45 दिन का समय बचा हुआ है फॉर्म भरने से लेके उसका एग्ज़ाम होने को लेके। आप ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो SSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग सोच रहे होंगे कि ये फॉर्म फिल करें, पेपर दें या ना दें, और इसकी तैयारी कैसे करें। बहुत सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, तो मैं आपको आपके सारे डाउट्स को 1x1 सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो में। ध्यान से मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप डाइसी हैं कि आप बैंक्स का फॉर्म भरें, प्रॉपर तैयारी करें या ना करें, या SSC एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो मैं आपको एक बार बता दूं कि देखो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसमें अपने आपको आपको जज करना है। सबसे पहले तो ये जज कीजिए कि आपके परिवार से आपको कितना समय मिला हुआ है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी को लेके। ये डिपेंड करता है कि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है। आपको पता है पिछले 2-2.5 साल से लगभग सभी परिवारों की स्थितियाँ ठीक नहीं चल रही है, तो इस वक्त सभी को किसी ना किसी तरीके की जॉब चाहिए। लेकिन इस डेस्परेशन में आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। जब तक आप एग्ज़ाम और एग्ज़ाम के पैटर्न को नहीं समझेंगे, जब तक सही से डिसीजन नहीं लेंगे, तब तक आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर नहीं कर सकते, ना उसकी पढ़ाई सही से कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम की जब तैयारी करते हैं और जब आखिरी 1-1.5 महीने बचे रह जाते हैं, तो उस वक्त डर बहुत लगता है। अगर आप शुरुआती सावधानी बरतेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम से आप दूर रहेंगे। एक बात ऐसे समझिए कि SSC एग्ज़ाम का जब नोटिफिकेशन रिलीज होता है, तब से लेके उसकी ज्वाइनिंग में तकरीबन 2-2.5 साल का समय लगता है, और अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो वो समय और बड़ा हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपके परिवार की आर्थिक स्थिति सही हो और आपके पास भरपूर समय हो, तो SSC एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जाइए। बैंक के एग्ज़ाम्स के बाद जो आपको पोस्ट मिलती है, काइंड ऑफ वो थोड़ा प्राइवेट जॉब की तरह जॉब रहती है, गवर्नमेंट जॉब की तरह फील नहीं होता, क्योंकि वर्क प्रेशर थोड़ा रहता है। इस वजह से ज़्यादातर बच्चे SSC एग्ज़ाम की तरफ जाते हैं, और SSC एग्ज़ाम में इंस्पेक्टर जो पोस्ट मिलता है उसमें थोड़ा सा लोगों को वैल्यूज़ भी सोसाइटी में अच्छा मिल जाता है, इस वजह से भी SSC एग्ज़ाम के लिए जाते हैं। अगर आपके फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं है, फाइनेंशियली थोड़े वीक हो आप, तो आपको पता है कि अगले 40-45 दिन बाद आपके बैंक के एग्ज़ाम होने वाले हैं। लेकिन SSC एग्ज़ाम का जो 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका अता पता नहीं है अभी। तो ऐसे केस में अगले 40-45 दिन आप अच्छे से बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि चलो सर, अगर बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर लें तो सर कैसे पढ़ें, 40-45 दिन में कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो मैं एक काम करता हूँ कि एज ए माई पाठशाला हम आपकी थोड़ी मदद करते हैं। इस बार हमने ये डिसाइड किया है कि बैंक के IBPS क्लर्क और SBI PO एग्ज़ाम की हम तैयारी कराएंगे। तो कल रात को 8 बजे जो है हम मैथ्स की क्लासेज ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। राहुल मीना सर आपको मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। 8 साल से ज़्यादा हो गया उनको बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाते पढ़ाते, उन्होंने बहुत सारे बच्चों को बैंक में मैथ्स सिखाया है। सो वो कल रात को 8 बजे आपकी बैंक की मैथ्स की क्लासेज स्टार्ट करेंगे। और सिर्फ मैथ्स की क्लासेज स्टार्ट नहीं हो रही है, अगर आप लोगों ने राहुल मीना सर को जो है साथ दिया, उनकी क्लासेज आप लोगों ने ज्वाइन किया, और हमें लगा कि बहुत सारे बच्चे हैं ऐसा है जो उनसे पढ़ाई कर रहे हैं और उनके लिए रीजनिंग की क्लासेज भी ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए, तो हम रीजनिंग की क्लासेज भी ऑर्गेनाइज कर लेंगे। अभी बैंक एग्ज़ाम को पढ़ाने वाले रीजनिंग के टीचर को हम लोगों ने टीम में शामिल किया है। साथ में हम आप लोगों की इंग्लिश की क्लासेज भी साथ में ही रीजनिंग के ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। इस तरीके से आपका जो एग्ज़ाम होता है, जिसका पहला स्टेज होता है जिसमें आपके मैथ्स, जिसके आप इंग्लिश और रीजनिंग, तीन ही सब्जेक्ट आता है, ये तीन की तीन ही क्लासेस पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगी। SBI PO की बात करें तो आपके पास 40 दिन के आसपास बचा हुआ है जो आपकी तैयारी के लिए, तो इस 40 दिनों में सारे के सारे टीचर्स मिलकर आपकी जम की तैयारी कर देंगे। तो कल राहुल मीना सर रात को 8 बजे आपकी मैथ्स की क्लास लेके स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनकी क्लास को ज्वाइन करो, ताकि हमें पता चल पाए कि आप लोग बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहते हो, ताकि हम आपकी रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेस भी लगा सके। आगे जो भी आपके डाउट्स होते हैं बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड, मैं टाइम पे आपका, मतलब मैं और हमारी टीम टाइम पे जो है आके आपके वो सारे के सारे डाउट दूर करते रहेंगे। अभी प्राइमरी फोकस हमारा क्या है, जैसे हमारे मैथ्स के टीचर हैं, तो मैथ्स के टीचर का जो गोल होने वाला वो ये कि वो जब मैथ्स पढ़ाए तो कम से कम आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम खत्म कर दे। आपको पता है बैंक्स में कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता है, हार्डली अगर 55% से लेकर 60% तक अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपका बैंक का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। तो बैंक का एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसी हिसाब से परसेंटेज भी कम होता है। अगर आप अच्छे बच्चे हो तो बैंक एग्ज़ाम क्लियर करना आपके लिए थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। अगर आप बच्चे ऐसे हो जिसने मतलब बचपन से बड़ी लापरवाही कर रखी है, पढ़ नहीं रखा है, अभी भी डिसाइड हुआ कि नहीं चलो यार बैंक का आ गया फॉर्म भर लेते दे लेते, तो आपको एक बार समझना पड़ेगा कि आपको सीखना पड़ेगा। बगैर सीखे बच्चा आप एग्ज़ाम क्लियर कर ही नहीं सकते हो। कोई
कोई रास्ता ही नहीं है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे समय पे एक काम कीजिए आप सारे के सारे लोग, चाहे आप लोगों की तैयारी ठीक हो चाहे ठीक ना हो, राहुल मीना सर को शाम को 8 बजे ज्वाइन कीजिए और अपनी मैथ्स की तैयारी स्टार्ट कीजिए। अगर आप लोग भारी संख्या में उपस्थित होंगे तो हम आपकी रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेस भी ऑर्गेनाइज कर देंगे।